हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित आर्या और आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिकल मैकेनिक्स। आज हम स्टैटिकल मैकेनिक्स में पार्टीशन फंक्शन के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन हमारा नेट जेआरएफ में आया हुआ है, तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। द हैमिल्टोनियन ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन हाफ पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी तो एट ए टेम्परेचर टी तो सच दैट इज इक्वल टू ये तो द स्पेसिफिक हीट पर पार्टिकल इज। और ये हमको ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी। मीन्स हमसे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक हमारे पास सिस्टम है जिसमें हमारे एन नॉन इंटरेक्टिव स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं और जिसका हैमिल्टोनियन हमारे पास ये है। अब इस हैमिल्टोनियन में ये जो हमारा एस आई जेड है इसकी दो वैल्यू हो सकती है प्लस माइनस वन और हमने इस सिस्टम को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अब हमारे पास एक कंडीशन है कि एट द टेम्परेचर टी यानी कि एट टेम्परेचर टी पे हमारे पास ये कंडीशन है ई की पावर न्यू बीटा बी अपॉन के टी इज इक्वल टू टी यानी कि ये जो टर्म है ये टू के इक्वल है एट टेम्परेचर टी पे। अब मेरे को पर पार्टिकल स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है सिस्टम के लिए और ये उसके ऑप्शन है ए बी सी डी। तो अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं और ये क्वेश्चन हमारा सी एस आई आर नेट दिसंबर 2015 में आया हुआ है। तो अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है। वी नो दैट पार्टीशन फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक सिस्टम। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक सिस्टम के लिए पार्टीशन फंक्शन लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है जेड वन इज इक्वल टू ई की पावर बीटा एच प्लस ई की पावर माइनस बीटा एच। यहाँ पे जो जेड वन है यह है सिंगल पार्टिकल के लिए पार्टीशन फंक्शन। अब हमको क्वेश्चन में इस h की वैल्यू दी हुई है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट h इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट बी सिग्मा एस आई जेड ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमारा हैमिल्टोनियन है। तो अब हम यहाँ पे सिग्मा की हमारे पास दो वैल्यू है, इस एस आई की दो वैल्यू हमको दी हुई है प्लस वन और माइनस वन। तो जब हम एस आई की प्लस वन वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास जो हैमिल्टोनियन आएगा वो आएगा हमारे पास माइनस म्यू नॉट बी और जब हम इसकी माइनस वैल्यू लेते हैं एस आई की जब माइनस वैल्यू लेंगे तो हमारे पास एच आएगा म्यू नॉट बी। ये हमारे पास नेगेटिव में है, ये प्लस में है। ये नेगेटिव में कब है जब हमने प्लस वन वैल्यू ली है और पॉजिटिव कब है जब हमने माइनस वन वैल्यू ली है। अब हम इन दोनों वैल्यू को यानी कि एच की इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमारे पास जेड वन आ जाएगा। जेड वन इज इक्वल टू ई की पावर माइनस बीटा म्यू नॉट बी प्लस ई की पावर बीटा म्यू नॉट बी ये हमारे पास जेड वन आ गया फॉर सिंगल पार्टिकल। अब हमारे को क्वेश्चन में दिए हुए एन नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स तो अब हम एन पार्टिकल्स के लिए पार्टीशन फंक्शन लिख लेते हैं। तो हम जानते हैं जब हम एन पार्टिकल्स के लिए पार्टीशन फंक्शन लिखते हैं तो वो हो जाता है हमारे पास जेड इज इक्वल टू जेड वन की पावर एन यानी कि सिंगल पार्टिकल का जो पार्टीशन फंक्शन था हम उसकी पावर एन कर देते हैं तो जेड वन की पावर कितनी हो गई एन हो गई। अब इस जेड वन की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, ये जेड वन की वैल्यू को हमने यहाँ रख दिया तो ये हमारे पास जेड वन की वैल्यू थी इसकी पावर एन हो गई। अब हम सबसे पहले स्पेसिफिक हीट निकालने से पहले हम निकालते हैं उसकी एवरेज एनर्जी क्योंकि स्पेसिफिक हीट किस पर डिपेंड करती है एनर्जी पे। तो हमने एवरेज एनर्जी फाइंड करेंगे और एवरेज एनर्जी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ये हमारा होता है एवरेज एनर्जी और इसका फॉर्मूला होता है माइनस डेल अपॉन डेल बीटा लॉग जेड। अब देखिए फॉर्मूले में लॉग जेड आ रहा है तो हम इसका लॉग ले लेंगे इस वाले इक्वेशन का, हमने इसका लॉग ले लिया है तो इसका जो लॉग आएगा हम कितना आएगा लॉग जेड इज इक्वल टू ये पावर आगे आ जाएगी एन लॉग ई की पावर माइनस बीटा म्यू नॉट बी प्लस ई की पावर बीटा म्यू नॉट बी तो ये हमारे पास आ गया है लॉग जेड। अब हम इसकी एवरेज एनर्जी फाइंड कर लेते हैं तो एवरेज एनर्जी फाइंड करने के लिए हम इस लॉग जेड की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो अब हम एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करते हैं और एवरेज एनर्जी के लिए हमने यहाँ पे लॉग जेड की वैल्यू पुट कर दी है। अब इस लॉग जेड की वैल्यू पुट करने के बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे बीटा के रिस्पेक्ट में। तो अब देखिए यहाँ पे जो n है ये मेरे पास कांस्टेंट है, ये एक नंबर है तो मैंने इसको बाहर ले लिया है डिफरेंशिएशन के तो माइनस का n मेरा बाहर आ गया है। अब हम इसका लॉग का डिफरेंशिएशन करते हैं बीटा के रेस्पेक्ट में तो हम जानते हैं लॉग x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन x तो ये हमारे पास पूरी टर्म हम इसको x कंसीडर कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 अपॉन e की पावर माइनस बीटा म्यू बी प्लस e की पावर बीटा म्यू बी तो ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन x।
अब हम इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करते हैं बीटा के रिस्पेक्ट में, तो अब हम इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे बीटा के रिस्पेक्ट में, इसका e की पावर माइनस बीटा म्यू नॉट बी प्लस e की पावर बीटा म्यू नॉट बी का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये तो टर्म हमारे पास ऐसी आ जाएगी वन अपॉन, तो वन अपॉन वाली टर्म तो हमारे पास ऐसी ही रहेगी। अब हम इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा माइनस म्यू नॉट बी e की पावर माइनस बीटा म्यू नॉट बी, ये आ गया। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा प्लस म्यू नॉट बी e की पावर बीटा म्यू नॉट बी, ये आ गया है। अब देखिए, अब इसमें से म्यू नॉट बी हमारा कॉमन आ रहा है, म्यू नॉट बी यहाँ पर है, म्यू नॉट बी हमारा यहाँ पर है, तो हमने म्यू नॉट बी कॉमन ले लिया, तो कितना आया माइनस एन म्यू नॉट बी, तो यह आ गया, एन हमारे पास पहले से था तो माइनस एन म्यू नॉट बी हमारे पास ये आ गया। अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारे पास ई बीटा म्यू नॉट बी माइनस ई की पावर माइनस बीटा म्यू नॉट बी, हमारे पास ये बचा, और नीचे हमारे पास यार टर्म आ जाएगी। अब ये जो टर्म होता है, ये जो फैक्टर होता है, ये होता है हमारे पास टैन हाइपरबोलिक एक्स का, क्योंकि जो टैन हाइपरबोलिक एक्स होता है, टैन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू होती है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, तो ये हमारा टैन हाइपरबोलिक बन जाएगा, और यहाँ पे जो एक्स है वो कितना है बीटा म्यू नॉट बी, ये हमारा एक्स के इक्वल है, तो हमारा क्या आ गया माइनस एन म्यू नॉट बी टैन हाइपरबोलिक बीटा म्यू नॉट बी। तो हमारे पास जो एवरेज एनर्जी आ गई है, तो एवरेज एनर्जी आ गई है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है एवरेज एनर्जी, ये हमारी है एवरेज एनर्जी, तो एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन म्यू नॉट बी टेन हाइपरबोलिक बीटा म्यू नॉट बी। अब मैं इसको बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं वन अपॉन के टी, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास होती है, बीटा होता है हमारे पास वन अपॉन के टी, तो अब हमने यहाँ पे वन अपॉन के टी पुट कर दिया है, तो मेरे पास एवरेज एनर्जी कितनी आ गई माइनस एन म्यू नॉट बी टेन हाइपरबोलिक म्यू नॉट बी अपॉन के टी, बीटा की जगह वन अपॉन के टी हमने पुट कर दिया है। अब हम निकाल लेंगे इसकी स्पेसिफिक हीट, और स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी एवरेज एनर्जी, यानी कि हम एवरेज एनर्जी का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमको मिल जाएगी स्पेसिफिक हीट। अब हम इस एवरेज एनर्जी की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं और स्पेसिफिक हीट फाइंड कर लेते हैं, तो हम एवरेज एनर्जी की वैल्यू को पुट करते हैं इसमें, तो देखते हैं कितना आता है। तो अब हम फाइंड करते हैं स्पेसिफिक हीट, और स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी टी एवरेज एनर्जी, यानी कि एवरेज एनर्जी का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और हमारे पास जो एवरेज एनर्जी आई थी वो हमारे पास ये आई थी एन म्यू नॉट बी टेन हाइपरबोलिक म्यू नॉट बी अपॉन के टी। अब हम इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो देखिए माइनस एन म्यू नॉट बी हमारा कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, यानी कि एन म्यू नॉट बी हमारा बाहर आ गया है। अब टेन एक्स का जो जो डिफ्रेंशिएशन होता है हमारे पास सेग स्क्वायर एक्स, अब यहाँ पे हाइपरबोलिक है तो इसका हो जाएगा सेग स्क्वायर हाइपरबोलिक, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा हमारे पास सेग स्क्वायर हाइपरबोलिक म्यू नॉट बी अपॉन के टी, तो ये आ गया। अब हम इसका फिर से टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो इसका हम फिर से यानी कि इस टर्म का हम फिर से टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो आएगा म्यू नॉट बी अपॉन के और माइनस वन अपॉन टी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा डिफ्रेंशिएट करके फिर से इसका। अब हमारे पास ये क्या हो गया, अब देखिए ये हमारे पास क्या है एन म्यू नॉट बी, तो एन म्यू नॉट बी ये हमारे पास म्यू नॉट बी अपॉन के, ये क्या है माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया एन म्यू नॉट बी का स्क्वायर अपॉन के टी स्क्वायर, और ये क्या आ गया सेग स्क्वायर हाइपरबोलिक म्यू नॉट बी अपॉन के टी। अब देखिए अब ये यहाँ पे होल स्क्वायर बना लेंगे हम इस पूरी टर्म को, तो मैं क्या करूंगा के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, मैंने इसको भी के से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया एन के, और जब हमने इसको के से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया म्यू नॉट बी का स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आ गया, और ये टर्म हमारे पास ऐसी आएगी। तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन के, इसको मैं पूरा होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो म्यू नॉट बी अपॉन के टी का होल स्क्वायर सेग स्क्वायर हाइपरबोलिक म्यू नॉट बी अपॉन के टी, तो ये मेरे पास स्पेसिफिक हीट आ गई है सेग स्क्वायर की फॉर्म में। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे कॉस स्क्वायर की फॉर्म में, तो ये कितना हो जाएगा सी इज इक्वल टू एन के, ये हमारी टर्म ऐसी आएगी,
अब sec स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन cos स्क्वायर, तो ये हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर हाइपरबोलिक म्यू नॉट b अपॉन kt। अब ये हो गया, अब हम जानते हैं कि जो हमारा cos होता है, cos क्या होता है हमारे पास, cos हाइपरबोलिक को हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2। तो यहां पर मैंने इसको ऐसे लिख लिया है इस वाली टर्म को, तो इसको मैंने क्या लिख लिया है, e की पावर म्यू नॉट b अपॉन kt प्लस e की पावर माइनस म्यू नॉट b अपॉन kt अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास, अब इस 2 का होल स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 मेरा यहाँ आ गया है 4 n k म्यू नॉट b अपॉन kt का होल स्क्वायर, और 1 अपॉन e की पावर म्यू नॉट b अपॉन kt प्लस e की पावर माइनस म्यू नॉट b अपॉन kt इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर आ रहा है। और अब देखिए मैं यहाँ से e की पावर माइनस म्यू नॉट b अपॉन kt कॉमन ले लूंगा, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हम e की पावर माइनस म्यू नॉट b कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू आई थी c इज इक्वल टू 4 n k म्यू नॉट b अपॉन kt का होल स्क्वायर, और 1 अपॉन ये टर्म हमारे पास आई थी। अब इस टर्म में से हम e की पावर माइनस बी म्यू नॉट बी अपॉन के टी को हम कॉमन ले लेंगे। अब चूंकि ये होल स्क्वायर है तो हमारे पास क्या कॉमन आएगा, ई की पावर माइनस टू म्यू नॉट बी अपॉन के टी, ये हमारे पास कॉमन आएगा, ये हमारा ऐसे चलता रहेगा, ये हमने कॉमन ले लिया है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ई की पावर टू म्यू नॉट बी अपॉन के टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना जाएगा, 4 एन के म्यू नॉट बी अपॉन के टी का होल स्क्वायर, ये टर्म हम ऊपर ले गए तो कितना हो गया, e की पावर 2 म्यू नॉट बी अपॉन के टी, और नीचे क्या आया, e की पावर 2 म्यू नॉट बी अपॉन के टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हमको क्वेश्चन में गिवन दैट है, कंडीशन जो थी हमारे पास एट ए टेम्परेचर, एक किसी टेम्परेचर टी पे जो हमारे पास कंडीशन थी वो थी e की पावर म्यू नॉट बी अपॉन के टी इज इक्वल टू 2, ये हमको दिया हुआ था। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या रहा, e की पावर 2 म्यू नॉट बी अपॉन के टी, तो मैं इसका क्या कर लूंगा, होल स्क्वायर, तो इसको मैं स्क्वायर कर लूंगा तो कितना आ जाएगा, e की पावर 2 म्यू नॉट बी अपॉन के टी इज इक्वल टू 4, ये आ गया। अब मैं यहाँ पे 4 पुट कर दूंगा और यहाँ पे 4 पुट कर दूंगा प्लस 1 हो जाएगा, तो अब इस इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, c इज इक्वल टू 4 एन के म्यू नॉट बी अपॉन के टी का होल स्क्वायर, यहाँ 4 आ गया है क्योंकि ये हमारे पास टर्म थी, इसकी जगह मैंने 4 पुट कर दिया, इसकी जगह मैंने 4 पुट कर दिया, तो 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, तो 16 एन के, और नीचे कितना हो जाएगा, 5, 5 का होल स्क्वायर कितना होता है 25, तो 16 अपॉन 25 एन के, और ये टर्म हमारे पास ऐसी आ जाएगी। तो ये है हमारे पास स्पेसिफिक हीट, अब हमको स्पेसिफिक हीट पर पार्टिकल फाइंड करनी है, तो मैं एन को नीचे ले जाऊंगा, एन क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो स्पेसिफिक हीट आ जाएगी मेरे पास सी अपॉन एन, यानी कि स्पेसिफिक हीट पर पार्टिकल इज इक्वल टू 16 अपॉन 25 के म्यू नॉट बी अपॉन के टी का होल स्क्वायर। लेकिन हमको जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है लॉग की फॉर्म में, तो हम इसको अब लॉग में कन्वर्ट करते हैं, और लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपल सा एक मेथड यूज करेंगे, वो क्या है, ये हमारे पास ये हमको गिवन था e की पावर म्यू नॉट बी अपॉन के टी इज इक्वल टू 2, तो मैं क्या कर लूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं म्यू नॉट बी अपॉन के टी इज इक्वल टू लॉग 2। हमको पता है जब e को इधर ले जाते हैं तो वो log में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, log 2 आ गया है। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है म्यू नॉट बी अपॉन के टी की जगह हम log 2 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर log 2 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, c अपॉन एन, यानी कि स्पेसिफिक हीट पर पार्टिकल 16 अपॉन 25 के और log 2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आंसर। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा, डी, तो राइट ऑप्शन हमारे पास ये है c अपॉन n इज इक्वल टू 16 अपॉन 25 के log 2 का होल स्क्वायर, तो राइट ऑप्शन इज डी, इज डी, हमारा राइट ऑप्शन क्या है, डी है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन पार्टिशन फंक्शन के ऊपर बेस्ड, जो हमारा किसमें आया हुआ है, सी एस आई आर नेट दिसंबर 2015,
इसमें ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ था। थैंक यू।